कि चारों तरफ डली हुई है। तो ये वाली जो बेसल डोज हम तैयार करें, बेसिकली किसी भी पेड़ में ऑर्गेनिक कर रहे हो और रासायनिक करते हैं उसमें चार। हेलो दोस्तों, आज हम हमारे अनार के प्लांट्स में बेसल डोज डालने वाले हैं। ये काम हमें लगभग 1 से 1.5 महीने पहले कर लेना चाहिए था, थोड़ा लेट है, लेकिन अभी भी है ना अलग अलग तरीका होता है एरिया वाइज। कुछ लोग जल्दी डालते हैं, कुछ लोग लेट डालते हैं। जैसे राजस्थान में बाड़मेर जालौर में वो जब डिफॉलेशन हो जाता है, पत्ते झड़ जाते हैं अनार के, उस समय डालते हैं, अलग अलग टाइम होता है। आज हम लोग डालने वाले हैं बेसल डोज। बेसल डोज के अंदर मैं बताऊंगा कि हम ऑर्गेनिक में क्या क्या कर रहे हैं। भैया चलो भैया डालो। ये देखिए, ये इस टाइप से है ना, इधर अपनी ड्रिप आएगी, अनार के दोनों साइड में ड्रिप लगेगी। तो जैसे एक परात में लगभग 10 से 12 किलो ये गोबर की खाद होती है। गोबर की खाद में हम पोल्ट्री खाद भी ले सकते हैं, गाय के गोबर की खाद भी ले सकते हैं, भैंस के गोबर की खाद भी ले सकते हैं और मींगनी खाद भी ले सकते हैं। हमने इसको गाय के गोबर की खाद और मींगनी खाद ली है। एक प्लांट में लगभग ये 40 किलो के करीब देंगे, एक परात में लगभग 10-12 किलो के करीब आता है। तो ये दो इस साइड में डालेंगे, दो उस साइड में डालेंगे। ये इस टाइप से आपको खड्डे बना लेने हैं। कुछ लोग पर्टिकुलर थोड़ा सा एरिया में खड्डे बनाते हैं और गहरे बनाते हैं, गहरे बनाने की जरूरत नहीं है, आप ऊपर ही बनाइए इनको। एक और डाल दो। लेवल के लिए था ना वो, मैं लेके आता हूँ, रुको। तो आप बोल दो, वही सारी है। दोस्तों ये मींगनी की खाद है, ये सबसे ज्यादा अच्छी खाद होती है और इसको हम लगभग 40 किलो एक प्लांट में डाल रहे हैं। और इसके साथ में और क्या मिक्स करेंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये देखिए, दोनों साइड में इस टाइप से खड्डे बना दिए अपन ने और ये खड्डे से दूरी भी रखी है पेड़ से, इसकी दूरी भी वो उचित रखनी है, ज़्यादा भी न हो और कम भी न हो। ये इसमें ट्राइकोडर्मा डाली हुई थी पहले से पाउडर, बट ये तो अभी कोई काम का नहीं रहा, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिला हुआ था तो वहाँ पे ऐसा ही मिलता है। इसमें ट्राइकोडर्मा है ना, वो बाद में देंगे अपन, ड्रिप के थ्रू ट्राइकोडर्मा देंगे। अब देखो इसके अंदर और क्या मिक्स करेंगे। इसमें हम अब ले रहे हैं बायोजाइम और पोटाश। ये हमने माप बना रखा है, ये 300 ग्राम का है। इसके अंदर 150 ग्राम तो बायोजाइम है, जिसको धनजाइम भी बोलते हैं, 150 ग्राम है पोटास। पोटास कौन से वाली है, ये ऑर्गेनिक पोटास है, K+S की पोटास है, जो कि वो ऑर्गेनिक आती है और पोटास निर्माता सबसे बड़ी जर्मनी कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी है, तो उसकी हम पोटास डाल रहे हैं। इसकी मात्रा कम ही डलती है। अब ये 300 ग्राम हो गई दोनों चीज़ें मिक्स करके, तो ये 100 ग्राम है ना प्लांट्स में डालेंगे दोनों साइड में। इस टाइप से डालनी है आपको, आधा इधर डाल देंगे, आधा दूसरी साइड में डाल देंगे। ठीक है, 150 ग्राम पोटास डालिए, 150 ग्राम पर प्लांट, 150 ग्राम बायोजाइम। और दूसरा ये डालेंगे हम लगभग 4 किलो के करीब कार्बनिक खाद हमारे पास में। कार्बनिक खाद है, इसको लगभग एक प्लांट में 4 किलो के करीब डालेंगे, ये भी इसके ऊपर ही डाल देंगे।
ऐसे 2 kg एक साइड, दो ये अगर नहीं भी है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके पास में वर्मी कंपोस्ट खाद है तो वो वर्मी कंपोस्ट डाल लीजिए, अगर वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप ये डाल दीजिए, ये अवेलेबल नहीं होती हर जगह बेसिकली। किसी के पास में वर्मी कंपोस्ट है ना तो लगभग 4 किलो वर्मी कंपोस्ट, 2 किलो इस साइड में 2 किलो उस साइड में ऐड कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कर रहे हो और रासायनिक करते हैं उसमें 4 किलो ऐड करने की जरूरत नहीं है, उसमें कम भी डाल सकते हैं। और इसके अंदर हम लोग अभी है ना जिप्सम और डालने वाले हैं, जिप्सम अभी 1-2 रोज में लेके आएंगे, तो उसके बाद में जिप्सम कैसे डलेगी उसका तरीका और बता देता हूँ, क्योंकि हमारे खारा पानी है तो हम जिप्सम है ना इसके ऊपर ऐड करेंगे। ये ऐसे इसको गड्ढे को आपस से थोड़ी थोड़ी मिट्टी चढ़ा देंगे, लेवल कर देंगे, और जितनी दूर में गड्ढा बना है ना, 2 से 3 किलो जिप्सम इधर इधर इस साइड में डालेंगे, 2 से 3 किलो जिप्सम उस साइड में डालेंगे लेवल करने के बाद में। अच्छा, जिप्सम का डिटेल वीडियो बाद में आएगा तो उसमें आपको कवर करा देंगे, अभी तो हम लोग यही कर रहे हैं। ये देखिए इस पे मिट्टी डाल दी, लेवल हो गया अभी। इससे पहले इसकी निराई गुड़ाई कर दी थी अच्छे से, अब इसमें पानी चलाएंगे। ये बेसल डोज का काम 1 से 1.5 महीने, 2 महीने पहले भी कर सकते थे, जनवरी में भी कर सकते थे, फरवरी में भी कर सकते हैं आप, मार्च में भी कर सकते हैं, अप्रैल में, मई, जून, जब तक आप बाहर नहीं पकड़ोगे ना उससे पहले आपको बेसल डोज डालनी जरूरी है, ज़्यादा बेटर रहेगी, जितनी अर्ली डालेंगे जल्दी डालेंगे उतनी ज़्यादा बेहतर रहेगी। ऐसा एंड टाइम पे डालते हैं तब उसमें कई दिक्कतें आती हैं क्योंकि वाइट रूट डेवलप नहीं हो पाती हैं, तो इसको टाइम से डालना बेटर रहता है, टाइम से डालना बहुत ज़रूरी है ताकि इसमें वाइट रूट डेवलप हो जाए। इस टाइप से लेवल करेंगे। अच्छा, दूसरा, अगर कोई सर्किल किसी की ड्रिप ग्राउंड घुमा के डली हुई है, पेड़ के चारों तरफ डली हुई है, तो आप इसी बेसल डोज को चारों तरफ डालेंगे गोल राउंड घुमा के। अगर आपकी ड्रिप 2 ड्रिप सेट कर रखी है, आपने एक इधर से एक उधर से है, तो आपको इस तरीके से डालनी है। अगर आपने कुछ लोगों ने जैसे राउंड ड्रिप लगा रखी है तो राउंड ड्रिप है तो फिर ये जो हमने खुदाई की थी ना ये चारों तरफ हल्की हल्की खुदाई होकर चारों तरफ डलेगी फिर। ये है इसका बेस्ट तरीका ऑर्गेनिक का। और अगर रासायनिक कर रहे हैं उसका अलग से एक वीडियो आएगा, मैं बता दूंगा रासायनिक में आप क्या क्या ऐड कर सकते हैं। मेरा नंबर आ गया क्या डैडी? यस, अब आपका नंबर आ गया, अब आप करके दिखा दो मुझे बस। आज ईवा ने पढ़ाई अच्छी की है, पढ़ाई अच्छी की है ना आपने? आप ये टेबल सीख रही है, तो अभी ईवा टेबल सीखने के बाद में जब ये फ्री हो जाती है तो एक्सरसाइज करती है, तो इसकी एक्सरसाइज हमारे साथ ही होती है। तो बता दो अभी आप क्या करने वाले हो, गाइस को जल्दी से बता दो क्या करने वाले हो। आज प्लांट को मेरा ग्रो करूंगा। क्या करोगे? खुद का प्लांट ग्रो करूंगा। खुद का अलग से ग्रो करोगे? तो अलग से तो नहीं, यही काफी है। आज क्या कर रहे हैं हम लोग बता दे। युवा क्या कर रहे हैं आज हम लोग? खाद डाल रहे हैं। आज हम लोग खाद डाल रहे हैं, फर्टिलाइजर डाल रहे हैं। दो दो डाल दिया, अब इसको थोड़ा सा आगे खिसका देते हैं। देखो ये हम लोगों ने क्या कर रखा है कि दोनों साइड में पहले तो इसकी निराई गुड़ाई की है, फिर जगह खड्डे बनाए हैं, और ये खड्डे किस टाइप से बनाए हुए हैं ये मैं आपको और दिखा देता हूँ। ये देखो इधर वाले जो प्लांट्स है ना, इस रो के अंदर हमने ना फर्टिलाइजर डाल दिया अंदर, और इसको बिल्कुल पैक कर दिया है, इसके ऊपर ड्रिप 1-2 रोज में है ना, और फिर पानी भी डाला है, ऐसे नहीं पानी नहीं डाला, वो मैं दिखाता हूँ आपको लास्ट तक। आगे वाले जो प्लांट्स है ना उनमें इस रो में हमने कैसे डाला है, ये देखो दोस्तों, ये इधर वाले जो प्लांट्स थे ना इनके अंदर इसी टाइप से जो बेड उधर भी बेड बना रखे हैं, सॉरी उधर भी खड्डे बना रखे हैं, इधर भी खड्डे बना रखे हैं, ये खड्डे फिल करके अब इनके ऊपर मिट्टी डालनी बाकी है,
खाद भरने के बाद में एक बार पानी भी डालेंगे हम इसके अंदर, ताकि अच्छे सेट हो जाए। और दूसरा इसमें ना, ये जो हमने ये इधर तो हमने फिल कर दिया, इसमें पानी डाल दिया खड्डे फिल करने के बाद में, खाद डालने के बाद में, और अब इन खड्डों को लेवल कर देंगे। और ये इस साइड में ये देखिए, ये इधर अभी काम शुरू किया है और ये बना दिए हैं। ये कोई घास वास है इसको भी हटा देंगे, और ये इधर बना दिया है। खड्डे का साइज आपने देख लिया कितने बाई कितने का है, ये लगभग 1 फिट चौड़ा और लगभग 4 फिट लंबा, 3-4 फिट लंबा खड्डा हमने बनाया है। सबका अलग अलग तरीका होता है, कुछ गहरा खड्डा डाल के खाद डालते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका यही है। ज़्यादा गहरे करने की भी ज़रूरत नहीं होती फिर, क्योंकि वाइट रूट बेसिकली ऊपर ही डेवलप होती है। ये वाली जो बेसल डोज हम तैयार करें, बेसिकली किसी भी पेड़ में डाल सकते हैं, अमरूद में भी डाल सकते हैं, मौसमी में भी डाल सकते हैं, सब हर प्लांट में डाल सकते हैं। और दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।